हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में गुलाब जामुन राबड़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, या फिर कोई फेस्टिवल में इसे बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो बना सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए हमने यहाँ पे काला जामुन लिए हैं। तो हमने यहाँ पे काला जामुन ले लिए हैं। अब हम गैस पे फ्राई पैन को चढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे गैस जलाकर और फ्राई पैन को चढ़ा दिए हैं, और उसमें हम लगभग 2 गिलास तक दूध डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास दूध डाला है, और दूध डालने के बाद इसको मैं बॉयल करूँगी। तो इस तरह से देखिए, हम चलाते हुए इसको बॉयल कर लेते हैं। अब दूध में बॉयल आने लगी है। देखिए, इस तरह से दूध हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो हम थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो आप टेस्ट के अनुसार चीनी डालें, क्योंकि गुलाब जामुन तो मीठी होती है। तो बस हम यहाँ पे 2 चम्मच भर चीनी डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डालिए। और चीनी डाल के हम इसको मिला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं, और चलाते जाएंगे, और दूध को इस तरह से हम गाढ़ा भी करते जाएंगे। तो देखिए, बॉयल आ रही है और गाढ़ा भी हो रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुटी हुई इलायची। तो हमने यहाँ पे इलायची, हरी इलायची को कूट के 2-3 इलायची को इसमें डाल दिए हैं, इलायची पाउडर। तो देखिए, इस तरह से चलाते हुए हमने दूध को गाढ़ा कर लिया है। ये हमारी दूध इतना गाढ़ा हो गई है, और हम इसको और गाढ़ा करेंगे। अब हम इसको गाढ़ा करके गैस बंद करके और निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो हमने यहाँ एक बाउल में इसको निकाल लिया है, और ठंडे होने के लिए इसको हम रख देते हैं। तो ये हमारी राबड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक तरफ रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक ग्लास लेते हैं। तो हमने यहाँ एक कांच का ग्लास लिया है, और कांच के ग्लास में हम अब यहाँ पे ये गुलाब जामुन है उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके इसमें रखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे गुलाब जामुन 2-3 गुलाब जामुन को हम टुकड़ों में करके और इसमें डाल देते हैं। तो हमने यहाँ 2-3 गुलाब जामुन को तोड़ करके इस तरह से टुकड़ों में ग्लास में डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे गुलाब जामुन को तोड़ कर डाल दिया है। अब हम इसमें ऊपर से, ये राबड़ी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इस राबड़ी को इसमें डालेंगे ऊपर से। तो हमने 1 चम्मच से इसमें डाल देते हैं राबड़ी को। तो देखिए, ठंडी होने के बाद राबड़ी और भी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह से आप 1 चम्मच से इसमें ऊपर से गुलाब जामुन के ऊपर आप राबड़ी डाल दें ऊपर तक। तो देखिए, हमने यहाँ पे ऊपर तक, आपका जितना ऊपर आ सके आप राबड़ी को गुलाब जामुन के ऊपर डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे राबड़ी को डाल दिया है, और राबड़ी डालने के बाद देखिए किस तरह से मैं ऊपर से डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं खाली छोड़ दी थी ऊपर। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो देखिए, हमने यहाँ पे पिस्ता और बादाम क्रश करके और ऊपर से इसमें डाल दिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ डाल दी हूँ। उसके बाद हम फ्रिज में इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो हमने यहाँ पे फ्रिज में 1 घंटे के लिए इसको रख दिए हैं। अब हमारी गुलाब जामुन राबड़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। तो हमारी गुलाब जामुन राबड़ी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।